नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। इमरान का भरोसा करके घबराना छोड़ चुकी जनता एक बार फिर से घबराहट में आ गई है। उलझते तैमंद और उल्टी टोपियां गवाही दे रही है कि मदरसा पैदा इस मुश्किलों के पार नीचे दब चुकी है। गदैया नृत्य में महारत रखने वाली जनता के रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने पसीने छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से महंगाई के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हालत यह है कि इमरान की मदीने की रियासत में पुदीना तक ढूंढे नहीं मिल रहा है, जबकि भारत में 60 रुपए किलो बिकने वाला अदरक पाकिस्तान में 1000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान की जबानी लंबी नहीं है, बल्कि यहां हर वस्तु के दामों ने लंबी छलांग लगाई है। यही वजह है कि महंगाई से कराती तैमन छाप जनता के लिए जीवन बिताना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई किस कदर सिर चढ़कर बोल रही है, इसका अंदाजा यहां की जनता में मचे हाहाकार से हो जाएगा। इस वक्त रावलपिंडी में 1 किलो अदरक 1000 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। शिमला मिर्च की कीमत 200 रुपए से 260 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कराची की थोक मंडियों में टमाटर फिर से 240 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है और गाजर 60 से 70 रुपए किलो थोक मंडी में मिल रही है। खुदरा व्यापारी ने 20 से 25 रुपए चढ़ाकर बेच रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के गरीब आवाम की पहुंच से यह सब्जियां पूरी तरह दूर हो गई है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपए रोजाना है। अगर इसकी भारतीय रुपए से तुलना की जाए तो यह 220 भारतीय रुपए के करीब बैठती है। पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था साष्टांग धरती चुंबन कर रही है, जिस कारण से यहां तमाम रोजगार धंधे पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। मजदूर वर्ग के पास काम नहीं होने के चलते वे भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। इमरान खान को अपने गरीब आवाम से ज्यादा कश्मीरी जनता की फिक्र सता रही है, यानी खुद की सलवार धुलती नहीं दूसरों को साबुन के ब्रांड बता रहा है। परंतु मामला केवल यहां तक नहीं है। यहां सब्जियों की बढ़ती महंगाई मुसीबत नहीं है, बल्कि एक महीने से आटे को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में इस साल गेहूं की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह इतिहास में अब तक 2400 रुपए प्रति 40 किलो पर पहुंच गया है, यानी सिर्फ गेहूं के दाम 60 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचे हैं, जबकि आटे के दाम 65 से 75 रुपए किलो हो गए हैं। यह तब है जबकि पाकिस्तान ने अक्टूबर महीने में ही रूस से 2 लाख मीट्रिक टन अनाज आयात किया था, मगर बावजूद इसके इमरान के भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों की वजह से अनाज के दाम और ज्यादा तेजी से बढ़ गए हैं। इसके साथ ही इमरान सरकार के महंगाई में काबू करने और खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिशों के असफल होने के सारे भी मिलने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान में गेहूं के दाम 2000 प्रति 40 किलो पर थे, मगर इमरान खान की गलत नीतियों और कश्मीर पर ज्यादा ध्यान रहने से पूरी सरकार नींद के आगोश में सिमटी रही है। जिनके ऊपर महंगाई को काबू करने की जिम्मेदारी थी, वे खुद जमाखोरी में संलिप्त रहे हैं। इसलिए इस साल दिसंबर में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड भी ऐसे टूटे कि जिस प्याज और अनाज को पाकिस्तान निर्यात करता था, आज उसे ही आयात करने के लिए दुनिया में मारा मारा फिर रहा है। खास बात यह है कि प्याज के दाम भी 150 से 200 रुपए प्रति किलो पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। तुर्की से प्याज उधार मांगा था, मगर पाकिस्तान का यह खास दोस्त भी उसे उधारी में प्याज देने को तैयार नहीं है। उधर 102 रुपए प्रति किलो पर पहुंचे चीनी के दाम जरूर 81 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं, मगर इसमें भी रोज हो रही गठत बटत लोंडे के पसीने निकाल रही है। इमरान खान आटे चीनी के दामों को कम करने के लिए कैबिनेट और अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उधर विपक्षी पार्टियों का गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी महंगाई और इमरान के निकम्मेपन को मुद्दा बनाकर उनकी सलवार खींच रहा है। खुद पाकिस्तानी सेना भी हवा का रुख भांप कर लोंडे की पीठ पर अपनी लाठ टिका चुकी है। पर बड़ा सवाल यही है कि महंगाई से कराते पाकिस्तान को यह दुर्दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्या इस संकट के लिए इमरान की नीतियां जिम्मेदार है या फिर पाकिस्तान की जनता ही नाइल है? दरअसल फरवरी 2019 से पहले पाकिस्तान में इस तरह महंगाई के ढिंढोरे नहीं पीटे जा रहे थे। उस दौरान सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जरूर चर्चाएं थी। तब डॉलर भी 125 पाकिस्तानी रुपए के लगभग था, लेकिन 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद 1996 में पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को 17 फरवरी को वापस ले लिया। भारत से MFN को पाकर पाकिस्तान बड़ा फायदा उठा रहा था। इस विशेष दर्जे के तहत पाकिस्तान को सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों में काफी रियायत मिल रही थी, जिस वजह से भारत से निर्यात की जाने वाली सब्जियों, दवाइयों, खाद, तेल और अन्य उत्पाद उसे पाकिस्तान में उत्पादित चीजों से भी सस्ते पड़ते थे।
साल 2019 से पहले तक पाकिस्तान में जब भी कब उत्पादन को लेकर उसके दाम बढ़ने की आशंका होती थी तो भारत से वह सबसे कम दाम पर आयात कर लेता था, मगर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन की छूट वापस लेने के बाद उसके लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ है। रही सही कसर इमरान खान ने जल्दबाजी में भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़कर पूरी कर दी। अगर इमरान खान जोश में आकर यह ऐलान नहीं करते तो कम से कम भारत से आयात करने का उनके पास विकल्प जरूर बचा रहता। अभी पिछले दिनों ही इमरान सरकार ने रूस से अनाज खरीदा है, परंतु उसकी ढुलाई भाड़े की लागत ही 635 रुपए प्रति क्विंटल चुकानी पड़ी है। अगर पाकिस्तान सही राह पर चलता और भारत से अनाज आयात करता तो बामुश्किल 100 से 150 रुपए ढुलाई भाड़ा ही लग पाता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलवामा की घटना ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कैसे तहस नहस किया है। भारत से पाकिस्तान को निर्यात होने वाली सब्जियों में बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, अदरक, लहसुन, शिमला मिर्च और भिंडी प्रमुख हुआ करती थी। जिस वक्त इमरान खान ने भारत से व्यापार बंद करने की घोषणा की थी तब यही पाकिस्तानी पत्थरों में टमाटर उगाने की बात करते थे और खुद को आत्मनिर्भर करने के गधैया गान किए थे, मगर ये जाहिल कौम सदैव की भांति जबानी योद्धा साबित हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान का सब्जी अनाज उत्पादन 24% तक नीचे गिर गया। ऐसा इसलिए भी हुआ कि क्योंकि पाक के किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता नहीं हो पाई। पाकिस्तान को निर्यात बंद होने के चलते उच्च गुणवत्ता और ज्यादा पैदावार वाले बीज भारत से पाकिस्तान नहीं पहुंचे, जिसका खामियाजा पाकिस्तानी किसानों को उठाना पड़ रहा है। रही सही कसर पाकिस्तान में बिजली की कम आपूर्ति ने पूरी कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान में अनाज, प्याज से लेकर तमाम सब्जियां और गन्ने की फसल भी अनुमानित तौर पर कम पैदा हुई है। पाकिस्तान में उत्पादन का स्तर गिरा मगर मांग पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह यह रही कि कोरोना महामारी की वजह से देश से बाहर गए लाखों पाकिस्तानी वापस मुल्क लौट आए हैं। उनकी बड़ी संख्या में पाकिस्तान आने से चीजों की डिमांड भी बढ़ी है, इसलिए यहां पर चीजों के दामों ने जबरदस्त छलांग लगाई है, जिसे रोकना इमरान जैसे निकम्मे सुल्तान के बूते की बात नहीं है, परंतु इसका गंभीर असर पाकिस्तान की गरीब जनता पर पड़ा है। पाकिस्तान में 60% से ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा को नहीं लांग सकी है। यह तबका ज्यादातर दिहाड़ी तबका कहा जाता है, जो रोज कमाता है और रोज ही उस कमाई को खा लेता है। महंगाई और बेरोजगारी के अभिशाप का पहला शिकार यही तबका बना है। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसका दंश इसी बड़ी आबादी को भुगतना पड़ रहा है, मगर बावजूद इसके इमरान खान जबानी बयानबाजी और घबराना नहीं कहकर इनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। पर इमरान खान जिस नया पाकिस्तान के नारे के साथ सत्ता में आए थे उसमें इमरान का मरहम एसिड का काम कर रहा है, जहां जख्मों का इलाज होने की बजाय वे और बड़े नासूर बनते जा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।